अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। फेरवे की सारी तैयारी हो गई पंडित जी, बस आप समय से पहुंच जाना का। हाँ नमस्कार। मैं अपनी माँ की कसम खाते बोलता हूँ कि शादी के बाद भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी माँ ही रहेगी। मैं विश्वास कि सारा चीटिंग एडिक्ट नहीं था। प्रूव करो। ये कटोरी में चम्मच घुमाने से कोई दूध अमृत नहीं बन जाएगा। ला हमें दे। अब से बालक के पेट में जो भी पड़ेगा हमारे हाथ से पड़ेगा। लो बेटा, भूख लगी है। अरे बेटा, अरे क्या हुआ? अरे अरे हमारे साथ शैतानी कर रहा है। भूख लगी है ना, ले ले ले, ले। अरे ना ना ना। अरे बालक काहे रो रहा है? तू ठीक है बेटा? बालक तू क्या हो गया बेटा? अरे तुझे भूख लगी है, दूध पी ना बेटा, देख ले ले ले। शाबाश हमारा बालक, दूध पियो बेटा, दूध पियो। हाँ हाँ शाबाश। देखा, पी लिया ना हमारे हाथ से। हमने कहा था तुमसे तेर भी आते आते हमारा बालक हमें और इस परिवार में सबको पहचान लेगा। उसके बाद तेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस घर में। दुआ तो मैं भी यही करती हूँ कि छोटू को आप सबका प्यार मिले और मैं यहाँ से शांति से चली जाऊँ अपने घर वापस। बंधु, तुम्हें पता है मेरी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, जब मुझे लगता है कि अब क्या होगा, जब मैं हार मान जाता हूँ, जब तुम साथ होती हो ना नंदू, मेरा हाथ पकड़ती हो ना, तो ऐसा लगता है कि सब ठीक ही तो है। कितना आसान है ये सब। अकेला पड़ गया हूँ यार मैं। उठ जाओ नंदू, मुझे जरूरत है तुम्हारी। नंदू, मुझे पता था कि तुम मेरी बात सुन रही हो। नंदू, मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहता था, पर मुझे ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं मैथ्री को। उसके मन में डाउट है कि जरांज ड्रग्स ये सब इन सब में है, और मेरी बात पर वो भरोसा ही नहीं कर रही है। नंदिनी, मैथ्री मुझसे सबूत मांग रही है, और सबूत गवाह ये सब कोर्ट में पेश किए जाते, दोस्ती में नहीं। लेकिन मैं उसे साबित करूंगा, दोस्ती को निभाने के लिए साबित करूंगा, उसे सबूत दूंगा। पर नंदू, मुझे इस सब के लिए वक्त चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तब तक मैं कैसे डील करूं मैत्री से, क्या कहूं उसे। नंदू,
नंदू, नंदू, नंदू, मेरा बच्चा, आशीष मैत्री हमारी नंदू घर वापस आ रही है। सच? कब? आज ही। नंदू ने मेरा हाथ पकड़ा जब मैंने उसे बताया कि तुम्हें सारांश के क्लीन होने का सबूत चाहिए। वो मेरे साथ है क्योंकि उसे पता है कि सारांश ड्रग्स इन सब में हो ही नहीं सकता। नंदिनी मेरे साथ है, सच के साथ है। छोटू सुना आपने? आपकी मम्मा घर आ रही है। जल्दी जल्दी से बोलो मम्मा को कि आपकी मासी और आप बहुत जोर से इंतजार कर रहे हैं उनके वापस आने का। सर, सर डिस्चार्ज इनका। मैत्री तुम घर पे सबको बता दो ना प्लीज, तब तक मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज देख लेता हूँ। हाँ। क्यों बात है? नंदू घर पहुंचे उससे पहले उसका कमरा सजा देती हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।